नमस्कार दोस्तों दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों हम लोगों का GS 4 पेपर का जो चैप्टर चल रहा था, नैतिक चिंतकों और दार्शनिकों का योगदान, तो उसी चैप्टर में आज हम लोग तीसरा लेक्चर देखेंगे। 2 पेजेस को देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। और आज की डेट में हम लोग मिल का गुणात्मक उपयोगितावाद देखेंगे और कांट का नीतिशास्त्री सिद्धांत देखेंगे। ठीक है, तो 2 चीज़ों को आज हम लोग अच्छे से जानेंगे। और दोस्तों जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दोस्तों आप लोगों को अगर मेरा कार्य अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर करें। शेयर आप लोग फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप जो भी आपके फ़ोन में है उसके माध्यम से कर सकते हैं, जिससे दूसरे लोगों को भी ये फ़ायदा मिल सके। और दोस्तों डिफेंस ऑप्शनल और GS का व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है, तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, और या तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल पड़ी हुई है वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों आज हम लोग मिल का गुणात्मक उपयोगितावाद का सिद्धांत देखेंगे। अब सबसे पहली बात यही है कि मिल कहते हैं कि जो कार्य आप करते हैं, जैसे आप कोई भी काम करते हैं तो किस चीज़ के लिए करते हैं? आप सुख के लिए करते हैं। ठीक है, सुख प्राप्ति के लिए करते हैं। और मिल का जो गुणात्मक उपयोगितावादी सिद्धांत है वह सुखवादी है, सुख की बातें करता है। किस तरीके से सुख होते हैं, सुख कितने प्रकार के होते हैं, किस टाइप के होते हैं, निम्न कोटि का है या उच्च कोटि का है, ठीक है, ये कहते हैं कार्य उतना ही करना चाहिए जितना सुख प्राप्ति हो। मिल कहते हैं कि कार्य को उतना ही करना चाहिए जितना कि सुख प्राप्ति हो। सीधी सी बात है कि जो व्यक्ति शाम को खाना खाना चाहता है, ठीक है, खाना खाना अच्छा लगता है, तो वह दिन भर काम करता है, उसको वह दिन भर काम करता है, फिर खाना खाता है जाके, शाम को उसको कुछ भोजन मिलता है। तो यहाँ पर मिल कहते हैं कि आपको कार्य उतना ही करना है जितने में आपकी सुख प्राप्ति हुई है, जितनी सुख प्राप्ति हुई है उतना ही आपको कार्य करना है। और ये क्या कहते हैं कि मिल कहते हैं कि जो आप अनुचित कर रहे हैं तो अनुचित भी आपको उतना ही करना है जितना दुख हो। ऐसी बातें, ये बात मिल कहते हैं। ठीक है, आनंद का अर्थ बताते हैं कि आनंद का अर्थ क्या है। ठीक है, आनंद का अर्थ ये बताते हैं कि सुख और दुख का अभाव, मतलब नहीं है। ठीक है, आपको आनंद की अनुभूति हो रही है। और ये दुख का भी अर्थ बताते हैं कि दुख का अर्थ यह बताते हैं, मिल कहते हैं कि ऐसी स्थिति, ऐसी परिस्थिति जहाँ पर सुख का अभाव हो। ठीक है, और ये कहते हैं, मिल कहते हैं कि जैसे जो आप कार्य करते हैं, ठीक है, जो मानव है, मानव अपने कर्मों का एकमात्र उद्देश्य रखना चाहिए। कौन सा उद्देश्य रखना चाहिए? उसका एक ध्येय होना चाहिए, लाइफ में एक कार्य होना चाहिए कि वह अपने कार्यों को करना, और अपने कर्मों का एकमात्र उद्देश्य किस चीज़ के लिए? सुख प्राप्ति के लिए। ठीक है, हम सुख प्राप्ति करना चाहते हैं, इसीलिए हम कर्म करते हैं। और क्या कहते हैं? मिल कहते हैं कि परिमाण और गुण के अनुसार सुख उच्च और निम्न कोटि के हो सकते हैं। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिएगा। तो ये सुख की बात करते हैं कि सुख उच्च और निम्न कोटि का हो सकता है। देखिए, सुख के एक सुख पर हम लोगों ने प्रश्न भी किया था कि कई टाइप के होते हैं। ठीक है, एक उच्च कोटि का सुख होता है, एक मध्यम कोटि का होता है, एक निम्न स्तर का होता है। ठीक है, तो जो सुख, परम सुख होता है वो दूसरों की सेवा करना। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग वो चीज़ें अलग हो सकती हैं, लेकिन एक नैतिक रूप से जो अच्छा सुख होता है वो कौन सा होता है? दूसरों की सेवा करना, परोपकार करना, ये सबसे अच्छा सुख माना जाता है। ठीक है, और निम्न स्तरीय सुख ऐसे सुख होते हैं कि जिन पे आप, जैसे आपने किसी से लड़ाई झगड़ा करने पे आपको किसी को खुशी मिलती होगी, किसी को मूवी देखने में खुशी मिलती होगी, किसी को और कोई कार्य करने में खुशी मिलती होगी। ठीक है, और मध्यम स्तरीय में क्या आता है कि जैसे
आपने लाइफ में कोई अचीवमेंट कर ली या आप एक आईएएस अधिकारी बन गए या पीसीएस अधिकारी बन गए, तो यहाँ पर जो सुख है वो मध्यम स्तरीय सुख होता है। और मानव कर्म, जो मानव है, मनुष्य का कर्म करने का एकमात्र उद्देश्य कौन सा है? सुख प्राप्ति, ठीक है। और सुख की कामना करना, देखिए मनुष्य है हमेशा सुख ही चाहता है, लेकिन आते दोनों साथ ही में हैं कि जैसे पहले सुख मिला फिर दुख मिला, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप जिंदगी भर सुखी ही रहें, ठीक है, कभी आप दुखी भी होंगे, तो ये दोनों होते हैं। लेकिन मनुष्य का क्या एक कामना होती है, हमेशा कामना होती है कि हमें सुख की प्राप्ति हो। और सुख की कामना करना मनुष्य का क्या होता है, एक स्वाभाविक गुण होता है। और मिल कहते हैं कि जो सुख है, सुख ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, किसी भी व्यक्ति का सुख ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और क्या कहते हैं कि सुख को ही मिलने, ये देखिए ये मिलके विचार हैं, ठीक है, ये मिलके उपयोगिता वाली विचार हैं, गुणात्मक उपयोगिता वाली। तो मिल कहते हैं कि सुख ही परम आदर्श है, सुख ही सबसे आदर्श चीज है, ठीक है। सुख का चुनाव अगर हम करते हैं तो ये जो विचार आता है वो विचार बिल्कुल निष्पक्ष होता है, ठीक है। ये मिल कहते हैं कि सुख का जो चुनाव हम करते हैं, ठीक है, तो ये जो विचार है वो विचार बिल्कुल निष्पक्ष होता है। और क्या कहते हैं कि मिल का ये जो विचारधारा है या जो सिद्धांत है या जो विचार है, यह बेंथम के समकक्ष माना जाता है। कहीं ना कहीं वही बातें बेंथम की भी कहते हैं, जर्मी बेंथम भी कहते हैं, और वही बातें मिल भी कहते हैं, ठीक है। सुख गुण की दृष्टि से भिन्न भिन्न हो सकता है, भाई सीधी सी बात है, सुख गुण की मतलब दृष्टि से अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। सुखों के चुनाव में गुण एवं परिमाण दोनों की तुलना करनी चाहिए। अब इसका क्या मतलब है, जब आप कोई सुख देख रहे हैं, आप क्षणिक सुख चाहते हैं या आप पूरे जीवन पर्यंत चलने वाला सुख चाहते हैं, किस तरीके का सुख, परिमाण क्या है उसका, ठीक है, और वह किस टाइप का है, अच्छा है बुरा है, किस तरीके का है, ठीक है। तो गुण एवं परिमाण दोनों की आपको तुलना करनी चाहिए। दोनों तुलना करने के बाद, दोनों चीज़ों की तुलना करने के बाद आपको आगे डिसाइड करना चाहिए कि हमें सुख कौन सा प्राप्त करना है, ठीक है। तो ये था हम लोगों का मिल का गुणात्मक उपयोगितावाद का सिद्धांत, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कांट का नीति शास्त्री सिद्धांत। तो कांट का नीति शास्त्री सिद्धांत जो कहता है कि कर्तव्य का सिद्धांत कहलाता है, ठीक है। सबसे पहले यही बात कही जाती है कि मुख्य बात जो बोलते हैं कर्तव्य के लिए बोलते हैं, ठीक है, आपकी ड्यूटीज क्या हैं, ठीक है। और इन चीज जो कांट का नीति शास्त्री सिद्धांत है, जो कांट कहते हैं कि जो केंद्र है, केंद्र में मतलब मध्य बिंदु में, केंद्र में अनुभव, भावना और कर्तव्य के लिए कर्तव्य, आपके अनुभव क्या करते हैं, आप अगर गलत कुछ देख रहे हैं तो आपको उस पर आगे बोलना होगा, ठीक है, आपको कर्तव्य करने होंगे। आपकी भावनाएं किस प्रकार से हैं, आप जब कोई भी काम करते हैं जाके तो आप किस भावना से करते हैं जाके, ठीक है, कर्तव्य के लिए कर्तव्य। आपको ऐसा नहीं है कि कर्म सुख के लिए नहीं करना चाहिए, कर्तव्य के लिए करना चाहिए। जैसे आप काम कर रहे हैं, देखिए मिल का जो सिद्धांत था वो अलग था, ये कांट का नीति शास्त्रीय सिद्धांत है। अब इन्होंने कुछ अलग बातें कही हैं, मिल ने और जेरेमी बेंथम ने अलग बातें कही थी, ठीक है। तो यहाँ पर कांट क्या कहते हैं कि कर्म सुख के लिए नहीं करना चाहिए। हमको जो काम कर रहे हैं तो हमें काम फल प्राप्ति या सुख प्राप्ति के लिए नहीं करना चाहिए, कर्तव्य के लिए कर्तव्य करना चाहिए। इनका ये बहुत बड़ा सिद्धांत भी है, और ये इसमें कांट कहते भी हैं कि जो कर्तव्य है आप कर्तव्य कर्तव्य के लिए समझकर करना चाहिए, ना कि किसी चीज़ की लालच में, किसी चीज़ की सुख प्राप्ति के लिए आप करना होता है इसको, ठीक है। और क्या कहते हैं कि जो नैतिक नियम
निरपेक्ष हैं, पालन बिना शर्त के होना चाहिए। निरपेक्ष का क्या मतलब होता है? आप किसी के साथ इसकी तुलना नहीं कर सकते हैं। नैतिक नियम हैं, बिल्कुल अलग हैं। आप बिना शर्त के, आपको ये चीज़ें करनी हैं, ठीक है। कोई भी शर्त आपसे नहीं लगाता है कि आप नैतिक बनिए, या बहुत ज़रूरी है कि हाँ आप नैतिक व्यक्ति ही कहलाएं। तो ये आपके अंदर की नैतिकता है कि आप नैतिक नियमों को किस तरीके से उनका पालन करते हैं, किस तरीके से उनको मानते हैं, ठीक है। किसी फल की आशा के बिना कर्म करना, अब यही चीज़ है कि जैसे हम कोई काम करते हैं तो हमें वहाँ पर किसी भी जो कार्य कर रहे हैं उसकी फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, हमें अपने कर्तव्य करने चाहिए। जैसे आप लोग हैं, आप लोग परिणाम देखिए, फल आप ये मत करिए कि हमारे कर्म कर रहे हैं तो हमें ये चीज़ मिल जाए। आपके कर्म अच्छे होंगे, आपको बिल्कुल बहुत अच्छी पोस्ट मिलेगी ही मिलेगी, उसको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, किसी फल की आशा में आपको कर्तव्य या काम नहीं करने चाहिए, ठीक है। भावनाएं दोष ला दिखती हैं, जो भावनाएं होती हैं वो भावनाएं दोष लाती हैं। इसका क्या अर्थ है कि जैसे आप जो फीलिंग्स हैं आपकी, जैसे मान लीजिए आपके इमोशंस हैं, ठीक है, तो जो फीलिंग और इमोशंस हैं ये क्या करती हैं, ये चीज़ें गलत लाती हैं। अब आपकी भावना या आपका मन किया कि यार मैं ये चीज़ करता हूँ जाके, तो वहाँ पर आप ये नहीं सोचेंगे कि ये चीज़ गलत है या सही है। जो मैं कार्य करने जा रहा हूँ इसका परिणाम क्या होगा? तो कांट कहते हैं, कांट हमेशा नैतिकता पर जोर देते हैं, नैतिकता को सर्वोपरि मानते हैं, ठीक है। और क्या है अगला, कि भावनाओं पर नियंत्रण बुद्धि के आदेश के अनुसार कार्य करना चाहिए। तो कांट का जो नीति शास्त्रीय सिद्धांत है उसमें यह कहा जाता है कि भावनाओं पर नियंत्रण रखना और बुद्धि के आदेश के अनुसार कार्य किया जाना चाहिए, ठीक है। और क्या है कि भावना, इच्छा, आकांक्षा, वासना का कोई महत्व नहीं है। ये सारी चीज़ें, जैसे भावना है, इच्छा है, आकांक्षा है, वासना है, तो इन सारी चीज़ों का आपके कार्यों में कोई भी महत्व नहीं होता। आप अगर नैतिक रूप से सही हैं तो आपको नैतिक सिद्धांत ही, जो सिद्धांत हैं उनके अनुसार आपको अपने कार्यों को करना होता है, ना कि अपनी जो इमोशंस है, फीलिंग है, या कोई आपकी इच्छा कर रही है, या कोई आकांक्षा है कि हाँ हम ये चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसे कार्यों को नीतिशास्त्र, कांट के नीतिशास्त्र में कोई भी महत्व तो नहीं दिया जाता। और क्या कहते हैं कांट, कि विवेक सभी में समान निहित होता है और मूल्य बराबर होते हैं। देखिए, मूल्य गुण की दृष्टि से अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन विवेक जो होता है, विवेक सभी में समान होता है। उसका प्रयोग चाहे भले ही वो गलत रूप से करे या अच्छा करे, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने विवेक का इस्तेमाल किस तरीके के और किस कार्यों में करता है। और क्या है कि जो मूल्य हैं वो हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है। ना कोई राजा ना कोई प्रजा, तो इसका क्या अर्थ है? कांट का नीति शास्त्रीय सिद्धांत कहता है कि ना कोई राजा है ना कोई प्रजा है। आपको जो नैतिक कार्य करने हैं आपको करने चाहिए, ठीक है। कर्म करना हमारा धर्म है, जैसे कहते नहीं है कि हमारा धर्म ये नहीं है कि लोगों के बीच में संप्रदाय फैलाना, लोगों के बीच में लड़ाई लगवाना या लड़ाई करवाना, और या किसी के साथ गलत करना, ये हमारा धर्म नहीं है। धर्म कभी ये नहीं कहता। धर्म कहता है अच्छे कार्यों को करना, अच्छे कर्मों को अंजाम देना, ठीक है। तो अच्छे कार्यों को करना या कर्म करना, अच्छे कार्यों को अंजाम देना, यही हमारा धर्म है। दूसरों की सेवा करना, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, समाज में एक अच्छी भावना या चेतना का उद्भव करना, तो ये चीज़ें समाज में बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डालती हैं। तो कांट के नीति शास्त्र में इन सारी चीज़ों को बताया गया है, ठीक है। तो आज हम लोग दोस्तों इतना ही देखेंगे और अगले लेक्चर में यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों आप लोग आंसर राइटिंग करते रहिए। ये जो PDF है, ये PDF आपकी सारी की सारी PDF जो है WhatsApp ग्रुप, GS के WhatsApp ग्रुप में प्रोवाइड की जा रही हैं। जो आज का लेक्चर था वो नैतिक चिंतकों का
नैतिक चिंतकों एवं दार्शनिकों का योगदान इस चैप्टर को आज हम लोगों ने देखा। ठीक है, चलिए, ठीक है, थैंक यू सुनने के लिए।